दूसरे रूम में रख के आओ तो। ये सब ही रख गई है। आज इस रूम को थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं। जब सब लोग आए थे उसके बाद मैंने इस रूम की सफाई नहीं की है, और आज मैंने साड़ी पहना है। आज का पूरा व्लॉग साड़ी में ही होगा, बिकॉज आज जो है जन्माष्टमी का नहा खा है। मैं पहले बेड बना लेती हूँ, फिर बातें करती हूँ। चलिए, मेरा ये रूम रेडी हो गया है। मैं कैमरा को निकालती हूँ। एंड आज का ये वाला ब्लॉग जो है मैं अपने नए वाले फ़ोन से शूट कर रही हूँ। एंड आई थिंक कैमरा क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा वाइट लग रहा है। तभी मैं ऑपरेट करना सीखी नहीं हूँ, धीरे धीरे सीखूँगी तो ठीक हो जाएगा। और इस तरफ देखिए, अचानक से तेज़ बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ये देखें, आज मैंने बनाया खाने में मज़ेदार सा गर्मा गर्म मसाला चावल, और इसको तहरी भी बोलते हैं। तो वेदर जो है आज का कुछ ख़ास नहीं है, थोड़ा सा रेनी टाइप से है, इसलिए मैंने इस तरीके का खाना बनाया है मसाला चावल। इसको शेक करते हैं फटाफट से। और इस तरफ जो है मेरे पास कुछ छेना निकाल के रखा हुआ है। 2-3 दिन से दूध फट जा रहे थे, तो उसका मैंने छेना निकाल के रख लिया है। एंड अब इसको क्या करेंगे, हम पनीर की भुर्जी बना लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा गर्मा गर्म पनीर की भुर्जी भी बन करके रेडी हो गया है। तो फाइनली यहाँ पे बारिश जो है रुक गई है, लेकिन आसमान में ये देखें कैसे काले काले बादल बने हुए हैं इस तरफ। तो आज जो है यहाँ पे हमारा विंडो भी लग रहा है, तकरीबन 7 महीने के बाद। सारा टूटा हुआ था, क्रैक था। उस साइड वाला तो पूरा मेज़नाइन फ्लोर वाला सारा ही क्रैक था, इस साइड वाला भी क्रैक था। तो आज लग रहा है बारिश की वजह से रुक गई थी काम, लेकिन फिर से अभी दोबारा स्टार्ट हो गया है। इसलिए ये काम भी आज कंप्लीट होगा। और इस तरफ जो है सारा खाना बनने के बाद मैंने गैस चूल्हा को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि जो भी खाना था वो सारा लहसुन प्याज एंड नॉर्मल नमक वाला था, वाइट सॉल्ट वाला था। एंड अभी मुझे कल मेरा, मतलब आज मेरा नहा खा है, कल मेरा जन्माष्टमी है, तो मैंने पूरा चूल्हा को क्लीन कर लिया है, प्लेटफॉर्म वगैरह सारा साफ़ कर लिया है। एंड अब मैं चढ़ाने जा रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय। अच्छा, तो हमारा यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन करके रेडी है। मैं यहाँ बाहर गैलरी में चलती हूँ, देखो यहाँ पे रखते हैं। और अब मैं यहाँ पे बैठ के अपनी चाय को थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी रुक गई है, थोड़ा थोड़ा हवा आ रही है। एंड आज जो है मैंने बताया ही आप लोगों को, कल मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये कब नहा खाए, कब जन्माष्टमी है। कोई एक मिनट, बहुत तेज हवा है, पर्दा उड़ रहा है। ओए, कैसे बात करूं मैं,
तारीख है, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आज ही नहा खा है और कल 6 को जन्माष्टमी है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल नहा खा है और परसों 7 को जन्माष्टमी है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, देर भी हो गई है, और नहा खा में हम लोग का नियम होता है बिना नहाए कुछ खा नहीं सकते हो, मैं चाय भी नहीं पीती हूँ नहाए बिना नहाए, और अब जिस चूल्हा पे खाना बनाते हैं नॉर्मल उस पर नहीं बनाती, पूरा चूल्हा वगैरह मैंने धोया है साफ किया, अब मैं अपना खाना बनाऊंगी, सॉल्ट भी दूसरा यूज करो, दाल राइस सब कुछ अलग से यूज करना पड़ता है, तो थोड़ा नियम करना पड़ता है, और मैं कन्फर्म नहीं होंगी तो मैं कैसे फॉलो करूँगी। इसलिए बोलते हैं ना कि घर में ना थोड़ा सा बड़े लोगों का, बड़े बुजुर्ग का रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मुझे इतना खलना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सबसे कॉल कर करके पूछ रही हूँ, कोई कल बोल रहा है तो कोई परसों बोल रहा है, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, बट आज मैंने नहा खा कर लिया है। अगर कल होगा जन्माष्टमी तो आज तो मैंने नहा खा कर ही लिया है, और अगर कल नहीं होगा परसों होगा तो भी नहा खा कर लिया है, तो क्या ही दिक्कत है, मतलब नहा के खाया सब कुछ क्लीन क्लीन किया है तो अच्छी बात है। चलिए पहले तो मैं चाय पीती हूँ क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही हूँ, क्लीनिंग ये वो, और अभी मेरा खाना बनाना बाकी है, मेरा वाला खाना मैं क्या बनाऊंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा, अकेले खुद के लिए बनाने का समझ में भी नहीं आता, एंड आज शाम को मार्केट भी जाएंगे कान्हा के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे, कान्हा का सारा सामान पूजा का सब कुछ खरीद के लाएंगे, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अरे कितनी तेज हवा आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठने में, काश कोई मेरे साथ यहाँ बैठा होता तो मैं चाय को और ज्यादा इंजॉय करती। एनीवे अच्छा जी, तो मैंने बनाया है अपने लिए प्लेन वाला पराठा, एंड इसको मैं दही के साथ खाने वाली हूँ, एक और गर्मा गर्म पराठा, इसको भी रखते हैं, एंड ये है मेरा व्रत वाला बिल्कुल सात्विक खाना, चलिए खाते हैं, चलिए डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। इधर आइए बेटा, आप भी बैठो यहाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जन्माष्टमी जो है वो 7 तारीख वाला मुझे करना पड़े, तो कल फिर से मुझे ऐसे ही नहा खा करना पड़ेगा, इसी तरीके से बिल्कुल सात्विक खाना पड़ेगा, आज तो मैंने नमक भी नहीं खाया है। अच्छा तो अभी शाम के 7:30 का टाइम है, एंड अब मैं निकल रही हूँ कान्हा का सारा सामान लेने जन्माष्टमी से रिलेटेड, एंड मैंने चेंज कर लिया, बोला था कि सारा ब्लॉग साड़ी में ही होगा, बट बहुत दूर उधर जादवपुर साइड जाना है हेलमेट पहन के, तो साड़ी में पॉसिबल नहीं था, तो मैंने चेंज कर लिया है, एंड चलिए मार्केट, मार्केट में तो आज बहुत रौनक लगी होगी, चलते हैं शॉपिंग करके आते हैं, कान्हा का सारा सामान, पूजा का सामान, कान्हा का कपड़े, एंड बाकी का चीज आके मिलती। अच्छा तो हमने अपने कान्हा के लिए यहाँ पे कुछ चीज ले लिया है, ये छोटू सा क्यूट सा मुकुट है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे बहुत सुंदर सा मैंने एक माला लिया है, यहाँ पे उनका ये है बाल है, एंड ये वाला, ये देखे छोटू सा पैंटी है, ये पहना के मैं उनको नहलाऊंगी, एंड ये है, ये सुंदर सा उनके लिए ड्रेस लिया है, ये देखे, एंड उसके अलावा ये छोटू सा पैंटी है, एंड उसके अलावा यहाँ पे मैं छोटू सा उनके लिए बाला लिया है, तो चलिए फटाफट से बिल करवाते हैं। चलिए कान्हा का कपड़ा ले लिया यहाँ से, कुछ मेकअप का सामान, बाकी चलते हैं मार्केट में, मोर पंख पालना एंड बहुत सारा चीज और बाकी है, सब कुछ लेते हैं। मार्केट में इतनी भीड़ है, देखो हर दुकान पे भीड़ है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से ले, ये देखें, एंड बलून भी लूंगी मैं, कान्हा का बर्थडे है तो बलून भी लूंगी, और यहाँ पे हमें मोर पंख भी मिल गया है, दादा एक दे देना मोर पंख, ये देखें यहाँ पे हमें मोर पंख भी मिल गया है, अंकल एक छोटा वाला मुझे भी दे।
देखिए इस तरीके का है बहुत सारा, इधर सिंहासन सब है, बट मुझे सबसे अच्छा ये वाला पालना लगा है, ये देखिए। तो ये वाला लेते हैं हम अपने काना के लिए, ये पैक कर दीजिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा जन्माष्टमी का सारा सामान मैं लेकर के आ गई। सबसे पहले तो यहाँ पे दो मोर पंख लिए हैं, एंड इसके अलावा यहाँ पे मैंने बलून भी लिया है क्योंकि कान्हा का बर्थडे है, तो ये बलून है। एंड उसके अलावा यहाँ पे कुछ लड़ियाँ हैं जो मैं ऊपर मंदिर में कल सजाऊंगी, इस तरीके का लड़िया, आर्टिफिशियल जो फ्लावर होता है, ये लिया है। मार्केट में इतनी भीड़ थी कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। एंड इसके अलावा कपड़े जो लिए हैं आप लोगों को तो दिखाई दिया, कपड़ा, माला, कंगन, बाल, मुकुट, और क्या, एक हाँ एक पैंटी, तस मतलब इतना छोटू सा, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगता है कान्हा का शॉपिंग करके। एंड सबसे अच्छा चीज़ एक लिया है, ये दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए, ये देखिए कान्हा का पालना, इतना खूबसूरत सा सुंदर सा पालना, ये देखिए रेड कलर का है। एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, कल इसको सजाएंगे, इसमें कान्हा को बैठाएंगे, कान्हा का बर्थडे मनाएंगे। तो और भी बहुत सारा चीज़ लेना है, जैसे मिठाई, फ्रूट्स, फूल माला जो होता है, वो सब तो अभी लिया नहीं, वो सब कल सुबह लूँगी, फिलहाल के लिए ये लिया है, पहले इसको रखती हूँ मैं। और अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जन्माष्टमी वाला वीडियो में। नेल पॉलिश लगाया ना, मेहंदी लगाया, आज नहा खाया, अब स्किन के प्रॉब्लम की वजह से कुछ लगाया ही नहीं क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है फ्राइडे को, तो मेहंदी कैसे लगाऊँ, लेकिन आज मैं लगाऊँगी, ज़्यादा नहीं कुछ करूँगी, रात को जिसे गोल गोल वाला होता है थोड़ा सा करूँगी, कि साल वाला पूजा है ना, एक साल में एक बार आता है, तो ये सबसे रात में करूँगी। एंड उसके बाद एकदम सुबह में अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 3:30 4 बजे उठ के मुझे वो जो सर्गी होता है ना चाय पानी पीने वाला, वो भी करना है क्योंकि कल मेरा फास्ट है। इतना कन्फ्यूजन हुआ सुबह में ये था कि सबसे अर्ली मॉर्निंग था कि 7 तारीख को होगा तो कल होगा ना, मतलब कल 6 तारीख है ना, आज 5 तारीख है, फिर उसके बाद आफ्टरनून में हुआ कि 6 तारीख को करना है, फिर शाम को हुआ कि 7 को करना है, अभी ये कन्फर्म हुआ है कि कल करना है, मतलब कल 6 तारीख को पूजा, मतलब फास्टिंग रखना है, आज 5 तारीख को नहा खाया। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ, फाइनली कल है, कल वाला मैं रखूँगी, कल भी और परसों भी है, तो मैं कल वाला रखूँगी, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, कल बाबू का स्कूल भी है तो छोड़ने लाना जाना बहुत सारा चीज़, तो वो ठीक है हो जाएगा। एंड इस वीडियो पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मेरे जन्माष्टमी वाला वीडियो का वेट कीजिएगा, ओके बाय।